तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करेंगे। किसी भी कारण से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, अभी आप यूज नहीं करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आसानी से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा दें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, आपको भी अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो आपको अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, आप अपना अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करेंगे। तो अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके इंस्टाग्राम का लोगो दिख जाएगा, यहाँ पर प्रोफाइल लोगो, आपको इस पर ओके करना है। तो चलिए हम इस पर ओके करते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो पहले यहाँ पर आप मेरे अकाउंट का नाम देख लीजिए, इस अकाउंट को मैं आपको डीएक्टिवेट करके दिखाने वाला हूँ। द एम डी इम्तियाज यहाँ पर नाइन है, देख सकते हैं यूजर नेम है। इस अकाउंट को मैं आपको डीएक्टिवेट करके दिखाने वाला हूँ। तो डीएक्टिवेट करने के लिए ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री लाइन का ऑप्शन है, आपको इस पर ओके करना है। तो चलिए हम ओके करते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। लेकिन आपका कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें इस अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो करिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप हमें यहाँ पर पूछ सकते हैं, इम्तियाज रॉबी नाम है। फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो करिए। उसके बाद आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे ऊपर में देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी लिखा हुआ है, तो आपको इस पर ओके करना है। तो चलिए हम इस पर ओके करते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ अकाउंट सेंटर, तो आपको इस पर ओके करना है अकाउंट सेंटर पर। चलिए हम ओके कर देते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अकाउंट को हम डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, यहाँ पर यूजर नेम शो हो जाएगा, देख सकते हैं द एम डी इम्तियाज नाइन है। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी अकाउंट को मैं आपको डीएक्टिवेट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स लिखा है, तो आपको इस पर ओके कर देना है। चलिए हम इस पर ओके करते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे सर्चिंग होने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे में अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल लिखा है, तो आपको इस पर ओके करना है। तो चलिए हम इस पर ओके करते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, यहाँ पर लिखा है डीएक्टिवेशन और डिलेशन, तो आपको इस पर ओके कर देना। तो चलिए हम ओके करते हैं, इस तरीके से आपको भी इस पर ओके करना है। यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा जिस अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पर आपको ओके करना होगा। अगर आपके इंस्टाग्राम में दो तीन अकाउंट लॉग इन होगा तो वो सारा अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप जिस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं उसी पर आपको ओके करना होगा। तो चलिए हम इस पर ओके कर देते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर देख सकते लिखा है डीएक्टिवेट अकाउंट, यहाँ पर देख सकते लिखा है, और यहाँ पर लिखा है डिलीट अकाउंट। तो आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस पर ओके करना है, यहाँ पर आपको टिक लगा देना। लेकिन आपको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो आपको इस पर टिक लगा देना ऊपर वाले पे। उसके बाद नीचे में यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू, तो आपको इस पर ओके करना है कंटिन्यू पे। चलिए हम ओके करते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे ओके करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड इंटर कर देना है। तो यहाँ पर हम अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड इंटर कर देते हैं, आपको भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड इंटर करना है। तो यहाँ पर हम अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड इंटर कर दिए, देख सकते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पे ओके कर देना है। तो चलिए हम कंटिन्यू पे ओके कर देते हैं, आपको भी कंटिन्यू पे ओके करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे ओके करेंगे सर्चिंग होगा, उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए किसी भी एक रीजन को यहाँ पर चूज करना होगा, यहाँ पर बहुत सारा रीजन है, तो किसी एक पे आपको टिक लगा देना है। यहाँ पर हम इस पर टिक लगा देते हैं, उसके बाद नीचे में आपको आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर है कंटिन्यू, देख सकते हैं, आपको इस पर ओके कर देना है। तो चलिए हम इस पर ओके करते हैं कंटिन्यू पे, आपको भी कंटिन्यू पे ओके करना है। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है डीएक्टिवेट अकाउंट, तो आपको इस पर ओके करना है। अगर आप अभी भी कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट पे ओके कर देना। तो चलिए हम ओके कर देते हैं, आपको भी इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे सर्चिंग होगा, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सर्चिंग होगा, उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा इंस्टाग्राम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ से लॉग आउट हो चुका है और अपने आप ये अकाउंट लॉग इन हो चुका है। ये मेरा मेन अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो करिएगा। कितना आसान तरीका मैं आपको बताया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कोई भी सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जाके फॉलो करिएगा।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा दें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।